चलो श्रीराम, तो यार डन, अच्छे से दिख रहा है, बता सोशल मीडिया में आ जाओ। चलो सेक्शन बी चालू कर रहा हूँ। ओके बस इतने ही टॉपिक्स है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, बट प्रॉब्लम ये है उसके अंदर भी टॉपिक्स है। ये देखो चलता ही जा रहा है, 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 देखते देख देख देखते खत्म ही नहीं हो रहा। ओके बेसिकली मेरा अगर मैं अपना बजटिंग लगाऊं तो मेरे को कम से कम ये खत्म करने के लिए 10 लेक्चर लगेगा। ओके मैं स्लोली स्लोली आराम से जाऊंगा, तुम लोग साथ साथ में लिखते चलना। अभी से मैंने एक चीज डिसाइड कर लिया दैट आई एम गोइंग टू गिव यू नोट्स लाइक दिस। ओके समरी फॉर्म में आराम से दूंगा, रिविजन फटाफट हो जाएगा। इतना बड़ा टॉपिक्स है, B1 स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बजटिंग कॉन्सेप्ट, फोकसिंग टेक्निक, बजटिंग मेथोडोलॉजीज, एनुअल प्रॉफिट प्लान एंड टॉप लेवल प्लानिंग। मेरे को सबसे पहले जो सबसे बड़ा टॉपिक है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट दैट फर्स्ट। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस B5 विच इज एनुअल प्रॉफिट प्लान। ठीक है चलो यहाँ से सबसे पहले चालू करते हैं, बजटिंग बजटिंग छोड़ो, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, आ जाओ। सो लेट्स स्टार्ट विद B5, आई एम स्टार्टिंग विद B5, बजटिंग प्लान, एनुअल प्रॉफिट प्लान, एनुअल प्रॉफिट प्लान। तुम लोग को चाहिए तो प्लीज साथ साथ में लिखते रहना, सबसे बड़ा टॉपिक है। ओके एनुअल प्रॉफिट प्लान। नाउ एक चीज समझते हैं, सबसे पहले जो मैं कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करने का कोशिश कर रहा हूँ ना, इट इज नोन एज बजटिंग। जब मैं बजटिंग की बात कर रहा हूँ इसका मतलब सिंपल सा है कि बॉस आई वॉन्ट टू मेक वन एस्टिमेशन कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे मैं अभी इस मोमेंट पे खड़ा हूँ ना, आज 5 तारीख है, आई एम एस्टिमेटिंग कि कम से कम मेरे को 5 एडमिशन तो मिले यार, 5 एडमिशन, दैट इज माई बजट। ओके मेरे को लग रहा है कि एडमिशन कम से कम 5 आना चाहिए, लेकिन साथ साथ ना मेरे माइंड में एक और चीज घूमे जा रहा है कि यार मेरे को रेंट भी तो देने का, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी तो देने का, वो जियो का डब्बा लगा है उसका वाईफाई का आएगा, ये देखिए एसी चार्ज चालू है, बाजू में एसी के बाजू में बैठा हूं मैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इसका भी तो पैसा है। ये जो तुम्हारे लिए भी नया नया मुंबई ब्रांच में आओ, कभी नया नया क्लासरूम देख, श्रीराम बैठा है इधर। ओके अभी नया नया बेंच लगाया मैंने, नया नया सेटअप है पूरा, खर्चा गया, ये तुम्हारा कैलकुलेशन कैलसी ये मोबाइल नहीं बट समझ, तो नॉर्मली खर्चा भी तो है ना यार। सो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, एवरी मोमेंट आई नीड टू सी कि भाई मेरा क्या क्या खर्चा जाने वाला और कितना मेरा इनकम होने वाला। सबसे पहले एक बात बता, मैं सिंपल सा चीज तुमको पूछ रहा हूँ, किसी भी बजटिंग का कोई भी चीज जब तुम स्टार्ट करोगे, जैसे आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना इस बार मेरे को शॉपिंग करना है 10,000 का, मैं ना अपने घर के लिए नया कुछ सामान लेने वाला हूं, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को ये करना, एक्सपेंडिचर रेडी है। एक बात बता, व्हेन यू डिसाइड योर एक्सपेंडिचर कि मैं ये एक्सपेंसेस करूंगा, व्हेन यू डिसाइड दैट, व्हेन यू सर एक पता हो कि मतलब इतनी इनकम होने वाली उसमें से मैं इतना सेव करूंगा। जब तेरे को ये पता हो कि तेरे को कितना पैसा आने वाला है, जब तेरे को यही पता नहीं है कितना पैसा आने वाला है तो कहां से बेटा चालू करेगा तू। ओके एनुअल प्रॉफिट प्लान तुमको वही बताता है। बजटिंग का सबसे पहला फंडा बोलता है कि आप कभी भी किसी चीज को बजट करो तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सेल्स बजट के साथ। सो बेसिकली द फर्स्ट बजट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दैट इज सेल्स बजट। द फर्स्ट बजट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेल्स बजट। ओके आराम से एक एक, आज मैं ना आज का मैं टारगेट तुमको बताता हूँ। आज मैंने टारगेट ना यहां तक लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सेलिंग, यहां तक। तो ये 5 बजट का आज अपने को खत्म करने का, आराम से जाएंगे, सब कुछ आएगा समझ में। जब मेरे पास ये पता होगा कि मेरा सेल्स बजट है और मुझे इतना इनकम मिलने वाला है, इसके बाद ही आई कैन डिसाइड बॉस व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर आई कैन मेक। सो कैन आई से एक सिंपल सा लैंग्वेज में, अगर मैं सेल्स बजट का नाम लूँ ना तो मैं एक इसको ये बोल सकता हूँ दैट दिस इज द फाउंडेशन ऑफ बजटिंग प्रोसेस, फाउंडेशन ऑफ बजटिंग प्रोसेस। पहला पॉइंट सबको क्लियर, इट इज द फाउंडेशन ऑफ बजटिंग प्रोसेस। जब तक आप ये नहीं बनाओगे ना आगे आप जा ही नहीं पाओगे। ओके इट इज फर्स्ट बजट टू प्रिपेयर फर्स्ट बजट टू प्रिपेयर। अब मैं देखो एक चीज यहां पे ये बता रहा हूं कि इस पे कितने सारे बजटिंग चीज डिपेंड है समझ। जब तेरे पास सेल्स बजट होगा ना, थोड़ा मेरा बात समझ, जब तेरे पास सेल्स बजट होगा और तुझे पता है दैट
how many units we should be selling. तभी तो तेरे को जाके पता चलेगा कि कितना प्रोडक्ट बनाने का शेयर, करेक्ट है ना? तभी तो तुमको जाके पता चलेगा ना कितना प्रोडक्ट बनाना है. तो कैन आई से योर सेल्स बजट बनने के बाद यू कैन डिसाइड व्हाट विल बी योर प्रोडक्शन बजट. पहले ये समझ में आया क्या? व्हाट विल बी योर प्रोडक्शन बजट. अब मेरी एक बात समझ, जब मैं प्रोडक्शन बजट की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे सिंपल सा एक चीज बताने की कोशिश करता हूं कि प्रोडक्शन बजट में बहुत सारा चीजें आएगा. अब ये बहुत सारा चीजें मतलब क्या होता है? वाह भाई, आओ आओ आती उठा देता हूँ. नहीं सर, वो हवा चाहिए तो इधर, हवा नहीं चाहिए तो पीछे. इधर ही बैठ, इधर ही बैठ, यहाँ पे फ्लो अच्छा है. चल प्रोडक्शन बजट, एक बात समझ, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ना तुमको तीन एक्सपेंडिचर हमेशा करना पड़ेगा. कौन सा एक्सपेंडिचर? सबसे पहला एक्सपेंडिचर है तेरा डायरेक्ट मटेरियल. दूसरा है तेरा डायरेक्ट लेबर. और तीसरा है तेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स. अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी देखो दो पार्ट करना पड़ेगा. एक है तेरा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स. दूसरा है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स. एक मिनट, सेल्स बनेगा तो जाके प्रोडक्शन बनेगा. एंड द प्रोडक्शन बजट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. क्या तुमको समझा? ऋषि सॉरी, आज प्रोजेक्टर में लेके आ रहा था, प्रोजेक्टर लिफ्ट में गिर गया, प्रोजेक्टर का लेंस ही टूट गया. अभी कल मेरे को अपने घर का टीवी लगाना पड़ेगा. यहाँ मुंबई वालों, कल जो भी पार्ट 2 के लिए आएगा, कल मेरे घर का टीवी लगाना पड़ेगा. आज मेरा प्रोजेक्टर लिफ्ट में आके टूट गया. चलो तो मेरे को एक बात बताओ, क्या इतना सबको क्लियर है? क्या बोला मैं? सेल्स बजट बनेगा उसके बाद ही प्रोडक्शन बनेगा. और प्रोडक्शन बजट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड. दीपा तेरे को समझ रहा है? दीपा का माइक बंद है क्या? या सर, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है. ठीक है, चलो सेल्स बजट सिमिलर सुनना. बोलो ना सर. एक और माइल्स का प्रोडक्ट है दीपा सॉरी, तेरे को पता है मैं कैसा हूँ. तू उसको हाय छोड़ के आई तो क्या छोड़, तुम लोग क्या अभी टाइम पास करने बैठे थे? सुनो इधर, सेल्स बजट अभी सुनो. सेल्स बजट के ऊपर ना एक और चीज और डिपेंड होगा, तुम्हारा सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, एडमिन एक्सपेंडिचर बजट. तो पहले तेरे को ये सब समझना पड़ेगा. मतलब आज के दिन अपने को क्या क्या सीखने का, सेल्स बजट कैसे बनता, प्रोडक्शन बजट कैसे बनेगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फिक्स ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स ऑन दीज ऑल आर बजट्स. मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजटिंग टेक्निक अपने को सीखने का. क्या ये तुमको समझ में आया? बोलना है ऋषि. एक सेकेंड, एक चीज तुमने सब पढ़ा होगा जिसको पता, तुम लोग ऐसे बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. किसी को याद है? COGS, सेल्स माइनस COGS इज अ ग्रॉस प्रॉफिट. जो लोग मेरे साथ पहले से पढ़ रहे हैं, सेल्स माइनस ये टोटल जब तुम बनाता है ना, ये जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स सब बन जाएगा ना, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट भी बनेगा. अभी तक ऋषि मैंने क्या बताया, तू लेट आया, तो मैंने क्या बताया था, हर एक बजट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना पहला होता है सेल्स बजट. तेरा जब सेल्स बजट बनेगा उसके बाद ही तेरा प्रोडक्शन बजट बनेगा, बिकॉज सेल्स बजट इज अ फाउंडेशन. ओके, सेकंड बोला था ये पहला बनेगा, सेल्स बनेगा तभी जाके तेरा प्रोडक्शन बनेगा. प्रोडक्शन में तेरा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स आया,
और सेल्स के ऊपर सेलिंग एंड एडमिन बजट पे डिपेंड, उसको स्क्रोल कर लेना। चलो नेक्स्ट, लेट अस डिस्कस अबाउट द सेल्स बजट, किससे ये बनाना कैसा अभी अपने को। चलो आ जाओ देखते हैं। अरे अगर तुम पानी पूरी वाला भी है ना तो तुमको नहीं पता है कि आज कितना प्लेट बिकेगा, तुम्हारा फिक्स होता है इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं ना। सो कैन आई से कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा ना जिसके ऊपर तेरा सेल्स डिपेंड सब होता होगा। तो अभी ना मैं तेरे को कुछ चीज बता रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राफ्टिंग द सेल्स बजट। चलो पहले तुम लोग खुद कुछ बताओ मेरे को कि कौन से चीज के ऊपर तुमको लगता है कि यार इसके ऊपर ना तेरा सेल्स डिपेंडेंट है। Past trend, demand and supply, brand as in, मतलब कौन सा brand है, कितना अच्छा, okay, और अरे बोलो तुम सबका आंसर right है, ये मैं वही सब लिखने वाला। trend, okay, ये ऋषि तेरा जो तुमने demand बोला उसमें मैं pricing पे डाल सकता हूँ। Pricing of the product, ठीक है। और location हो, location very good, season भी तो हो सकता है। हाँ season, ठीक है। तुम लोग competitors impact, competitors दो रुपए का बढ़ा देगा तुम्हारा chances है कि तुम्हारा product ज़्यादा बिके। But no doubt अगर तुम monopoly market में तो ये शायद ना होगा। चलो आ जा थोड़ा factors देखते हैं, which are the factors to be considered। पॉइंट नंबर वन, इनपुट रिसीव्ड फ्रॉम सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं ना रिसेंटली एक केस स्टडी कर रहा था, मेरे को थोड़ा जब टाइम मिलता तो मैं यही सब करता हूँ। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंडिया में बहुत चालू है, बहुत अच्छा उसका डिमांड आ रहा है। बट अल्टीमेटली ना ये इकोनॉमी के हिसाब से ना वो लोग बोल रहे हैं कि यार ये ईवी ना, अभी पता नहीं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग भी हो सकता है, तो वो क्या बोल रहा था मालूम है ऋषि, वो बोल रहा है कि यार आप ईवी ना जो उसका बैटरी होता है वो 5 से 10 साल का शेल्फ लाइफ होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो क्या बोलता है मालूम है कि अगर आप 20-25 लाख का कार ले रहे हो, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप 5 साल बाद 5 लाख का रिप्लेसमेंट वैल्यू का बैटरी लोगे। सेकेंड चीज, गाड़ी डजंट हैव पिकअप, मतलब वो बाहर पे जब जाता है तो गाड़ी वो जा ही नहीं रहा है। सेकेंड चीज वो बोलता है कि इंडिया में इलेक्ट्रिकल स्टेशन इतना नहीं है जितना पेट्रोल का है। और दूसरा वो बोल रहा है कि आप अगर बार बार बोल रहे हो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है तो उसके अंदर जो लिथियम लगता है वो लिथियम भी तो मतलब तुम एक्सट्रैक्ट ही कर रहे, तो नेचुरल रिसोर्स से ही तुम्हारा पैसा जा रहा है। तो ऑब्वियसली व्हेनेवर आई एम गोइंग टू सेल समथिंग ना, मेरे को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कितना। जैसे रिसेंटली ना मैं अभी कार्तिक के साथ बात कर रहा था कि कार्तिक आई थिंक वी शुड इंक्रीज द फीस, तो कार्तिक वाज वेरी सिंपल, कार्तिक बोलता है कि सर माइल्स वाला 75 में दे रहा है, ऊपर से इतना बड़ा ऑफिस बना के देगा और तुम भी अगर 60 चार्ज करने लगा तो कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, उल्टा अपने पास तो वो व्हीकल का मटेरियल भी नहीं है। तो तुम समझ रहे, मतलब उसके लेवल तक जाने के लिए मेरे को किसी पब्लिकेशन के साथ टाइप करना पड़ेगा। नो डाउट वी हैव सेटअप ऑल्सो नाउ, बट अभी अगर मैं मार्केट सर्वे कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा सेल डिपेंड करेगा। रिसेंटली मैंने किसी से बताया कि माइल्स को एवरी मंथ दे गेट अराउंड 100 to 200 एडमिशंस पर सीएम है, वो मैं कम नंबर बता रहा हूँ, सीपीए में 200 एडमिशंस। तो कैलकुलेटर ले, एस्टिमेट लगा साल का कितना पैसा आता है। इनपुट रिसीव फ्रॉम सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, तू ऐसे क्या देख रहा है मेरे को दुख में अपना टाइम पाएगा। नेक्स्ट, पास्ट पैटर्न ऑफ सेल्स। ब्रिजेश सुनना, अहमदाबाद तो ऑलरेडी अपने कब्जे में है, अपने को इंडिया में जा रहा है अभी। सर आपको पहले ब्रांच ना अहमदाबाद में खोलनी चाहिए थी। यार तो अभी ऐसा बात मत कर। चल
सेल्स स्टाफ एस्टीमेट, सेल्स स्टाफ एस्टीमेट। अब ऑब्वियसली मेरे को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे सेल्स स्टाफ ने क्या एस्टीमेट लगाया है। अगर मेरे को लगता है कि मेरे सेल्स स्टाफ ने प्रॉपर एस्टीमेट लगाया है और वो बोलता है सर दिस कैन बी सेवरल फैक्टर जहां पे सेल्स अप हो सकता है या तो डाउन हो सकता है। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, व्हेन आई वाज इन एडुपिस्टी, एडुपिस्टी में हमेशा लोग बोलते थे कि सर जब फेस्टिव सीजन होता है ना तो उस टाइम पे सेल्स नहीं होता, और सबसे ज्यादा सेल्स का बोलता है जब टीवाई का रिजल्ट आता है ना, उसके बाद पीपल वॉन्ट टू डू सम कोर्सेस। ओके, इधर पे तो दोनों बच्चे भी बेचारे अंडर गैजेट आके बैठे। तो मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो सेल्स टीम ऑब्वियसली जो एस्टिमेट लगा था वो भी सेल्स बजट पे इंपैक्ट करेगा, पहले ये समझ में आया क्या। नेक्स्ट, जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस, जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस, कंट्री में इन्फ्लेशन चालू हो, खतरनाक प्राइसेस आर राइजिंग, तो तुम थोड़ी तुमको अज्यूम होगा कि तुम्हारा सेल्स बढ़ेगा। नो डाउट, जब भी कभी इन्फ्लेशन होता ना तो दो चीज हमेशा अपने को फैक्टर देखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन होता ना तो तू गुड्स बेच रहा है वो हायर प्राइसेस है, लेकिन तू किसी से लेगा तो उसका भी तो प्राइस हाई होगा ना यार, तो अल्टीमेटली वो सेटल हो जाता है। बट लेकिन तुमको भी देखना पड़ेगा कि यार इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। कभी कभी होता ना कि किसी चीज का प्राइस एकदम ही तोड़म तोड़ है। अभी किसका होता, बीच में कांदे का प्राइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कांदा या टमाटर का प्राइस होता 120 रुपए किलो। साला मेरे इधर वो स्टेटस नाम का होटल है, ये हम सब इधर वाले ही है, वो साला टमाटर के बदले पत्ता को भी डाल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब तुम समझो इतना महंगा हो गया कि बेचारा टमाटर के बदले ही यूज्ड टू पुट कलर्स। सिमरन क्या तेरे यहाँ भी ऐसा होता है? सिमरन बोले कि नहीं सर। कॉम्पिटिटर्स एक्शन बॉस, जो कॉम्पिटिटर करता है, तेरे को पता है पिक्स आने के पहले कॉम्पिटिटर का फीस कितना था? लाख रुपया था। पिक्स आने के बाद फीस 80 हो गया। तुमको पता नहीं तो मार्केट रिसर्च थोड़ा करो तुम। चेंजेस इन फर्म्स प्राइसेस, फर्म्स स्लैश गुड्स प्राइसेस, तुम्हारा प्राइसिंग स्ट्रक्चर बार बार चेंज हो रहा है, माइट बी पॉसिबल दिस विल अफेक्ट योर सेल। मैं ये क्यों लिखवा था पता है? अगर तुमको ये अगर ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आया ना तो तुमको ये पता हो कि भाई इसके वजह से सेल्स बजट इंपैक्ट करता है। चल नेक्स्ट, चेंजेस इन प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बाद में बताऊंगा। कभी ना कभी तुमने सुना होगा, पहले एक मटेरियल बनाने के लिए पीपल यू दो प्रोडक्ट यूज होता था, ए होता था बी होता था। अब मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ सुन, अल्ट्राटेक में ना सीमेंट में जब मैं ऑर्डर करता था तो उसमें ऐसा होता है 2% दे यूज टू पुट कचड़ा एक्सेप्ट प्लास्टिक, कचड़ा जाएगा लेकिन प्लास्टिक नहीं चाहिए, प्लास्टिक नहीं चाहिए और कांच नहीं चाहिए, बाकी तुमको जो डालना है डालो। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, अल्ट्राटेक ने क्या बोला था पता है? उसने एक बार मैगी डाला था, क्योंकि नेस्ले ने पूरा मैगी जलाने का वो ट्राई करता था कि भाई इतना, क्योंकि शेल्फ लाइफ खत्म हो गया। किसी भी अगर फूड का अगर शेल्फ लाइफ खत्म हो जाता है ना तो तुम उसको यूज नहीं कर सकता। सो नेस्ले ने अल्ट्राटेक को मैगी बेच दिया था। मतलब अगर 2017 या 18 के बीच में अगर आपके घर आपका घर बना है और आपने अल्ट्राटेक सीमेंट यूज किया है तो तुम टेस्ट कर सकते मैगी का दीवार से निकाल लेते जमीला, यू लाइक मैगी? यस सर। जमीला ने सर अब तक खा बट अभी नहीं। चल, रिजल्ट इन मार्केट रिसर्च स्टडीज, मतलब तुमने कुछ मार्केट स्टडीज किया और तुमको ऐसा लग रहा है यार सेल्स इंपैक्ट करेगा। एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। क्या तुमको ये समझा? सिंपल था, एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, सही है? Yes. किसी को डाउट? चलो एक और चीज सीखते हैं, कंपोनेंट क्या है। चलो सेक्शन भी ना मैं ऐसे ही लिख के दूंगा, और तू भी अगर नहीं लिख रहा पोपट तुम कल तक आगे बुक चेक करेगा, मैं अगर नहीं लिख रहा तो तू खत्म। चलो कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में दो चीज है, सुनिए
सेल्स बजट बनाने के लिए ना, अरे मैं मस्ती करता देखो, लिखेगा तो लिखना, तो घर पर जाके सिर्फ सिबलिंग लेना। चलो, सेल्स बजट बनाने के लिए तुमको दो ही कंपोनेंट्स चाहिए। पहला बजटेड यूनिट चाहिए तुमको, और दूसरा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस चाहिए, बस तुमको दो चीज चाहिए, बजटेड यूनिट्स और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अब मेरे को एक बात बता, अब मेरे को एक छोटा सा चीज बता, तो कैन आई से, अगर मेरे को कोई ऐसा बोलेगा कि भाई तू सेल्स बजट बनाता कैसा है, तो मैं उसको सिंपल सा बोलेगा, देख भाई सेल्स बजट बनाना कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है। मैं उसको बोलूंगा एस्टिमेटेड यूनिट्स ले, एस्टिमेटेड यूनिट्स ऑफ सेल ले, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये तुम्हारा आएगा, कैन आई से दिस इज योर एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड सेल्स बजट। क्या ये तुमको समझा? बोलो, अब मेरी बात समझ, सुनना। ये जो प्राइसेस है तेरा, कैन आई से दिस विल बी, दिस विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कितना उसको प्राइसिंग रखने का। सो कैन आई से इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, उसको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तो उसके पास दो ही चॉइस है। चॉइस नंबर वन, या तो वो कॉस्ट को रिड्यूस करे, या तो वो सेलिंग प्राइस को बढ़ा दे। दो ही चॉइस है, समझा कि नहीं? ओके, अभी ना इसका भी थोड़ा सा तुमको इंपैक्ट समझना पड़ेगा। मैं इसको ले सकता हूं, इट इज डिपेंड अपॉन द सीजनल बिहेवियर, सीजनल बिहेवियर, बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट। स्पेशली ना ये जो पहला पॉइंट है ना, ये डिपेंड अपॉन द सीजनल बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट, ये चीज का मेरी वाइफ जो इसको ऐसे यूज करती है ना, ब्रह्मास्त्र की तरह, मैं तेरे को बता नहीं सकता। तेरे को पता है ये अपने जो जन्माष्टमी फेस्टिवल होता है, तो रात में अपन गोपाल जी को, वो मेरी वाइफ ने क्या किया पता, ये जब भी उसको कोई सामान अगर लेना होता है, तो वो क्या करती पता है, वो ऑफ सीजन में जाती है लेने के लिए। जैसे उसको भी सिंहासन लेने का था, तो वो शेडेड, वो उसने जन्माष्टमी अभी चले गया, तो नाउ शी इज लाइक मेरे को अब लेना पड़ेगा। वो शॉपकीपर को बोलती है, भैया भैया अभी तो सीजन गया, अभी क्या ये प्राइस में बेच रहे हो, खेलो दिमाग से, क्या तुमने भी ऐसा किया? बाकी का तो नहीं पता, हर्षिता ने 100% किया होगा। हर्षिता हाँ बोल। सर मैं अभी बोलने वाली थी, हाँ मैं हर एक स्टूडेंट को पहचानता है अलग अलग से, ऑन द स्पॉट में मुझसे नाम निकल। चलो, ऐसा कोई और भी है जो इस गुट में शामिल होना चाहेगा? दीपा तू? या सर, क्या तू भी ऐसी है? नहीं, अमीर औरत, ये तेरा फेस डबल है। सर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, स्टोर में जाती हूँ नहीं, बहुत बोरिंग होता है। और नहीं आपका क्लास? पूजा, यू आर फ्रॉम दिल्ली, आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। Yes, sir. सब होशियार बच्चे मेरे। चलो पहले बताओ, इसमें किसी को कोई परेशानी या किसी को कुछ पूछने का? मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ऋषि कोई डाउट? नहीं यार, कौन डिस्कनेक्ट हो गया? अरे नहीं, मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं है? चलो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट। ब्रिजेश क्लियर एकदम? यस सर। तुम मेरे को एक चीज बताओ, हेडफोन से सुन क्यों रहा? तेको लाइव साक्षात रवि गुप्ता तेको पढ़ा रहा है। एक डिस्कनेक्ट हो गया, एक करंट भी चेक कर दे। चला जा, सुनो, लेट्स से तुमने एक प्लानिंग किया है, जन फेब मार्च अप्रैल 10,000 यूनिट्स, 11,000, 13,000, 15,000, this is sales units,
सेल्स यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस 10, 10.5, 11, 12। चलो सब लोग कैलसी निकालेंगे अभी फटाफट, मेरे को कैलकुलेशन देने का। मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज बजटेड, दिस इज 1 लाख, 1,15,500, 143,000, 180. This is your sales budget. Simple एकदम, समझ में सबको ही? दीपा done? Yes sir, done. चलो Now let's move to the next budget. ये अपना जो मैं पढ़ा रहा था तुमको, ये तुम्हारा A था sales budget. Now let's focus on B. Let's focus on B. Production budget. Production budget. अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, क्या तुमको ऐसा कंपनी पसंद आएगा? जैसे मैं एग्जांपल एक मोमेंट पे ऐसा बोलूं कि यार मैं ना लेट्स से क्या अपन कुछ बिजनेस खोलते हैं, कुछ बेचने का, छाता बेचने का, चल ठीक है, ये अपन एक ब्रांडेड छाता बनाते। अभी ना एक डी मार्ट में ना एक रेनकोट मिलता था रेन टॉप करके, वो इतना बिका ना, 149 का वो रेनकोट था, शायद मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, वो डी मार्ट के किसी ब्रांच में नहीं है। मतलब एक बात समझ, वो जो रेन टॉप वाला बंदा था ना, उसको पता है दिल में क्या चुभता होगा, उसको भी ये चुभता होगा कि साला मैं अच्छा क्वांटिटी बना दिया होता ना तो शायद आज अच्छा होता, बना बना मैं ज्यादा कमा लेता। मतलब एज एज अ बिजनेसमैन या एज अ ट्रेडर यू ऑलवेज 15-20 बच्चा, 20 बच्चा ये क्या बोल रही है? हाँ सुनो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा एज अ प्रोड्यूसर तुमको ये हमेशा सोचना पड़ेगा कि यार कम से एटलीस्ट ना मैं कुछ स्टॉक तो रखूं बना के। मतलब इन शॉर्ट कितना बेचना है वो मेरे को पता है, तुम समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना बेचना है वो मेरे को पता है, क्योंकि सेल्स बजट मेरा ऑलरेडी रेडी है। मुझे इस मोमेंट पे ये देखना है कि यार मैं कम से कम इतना स्टॉक रखूं ना कि कल को अगर कोई कस्टमर आए ना तो मेरे यहां से वापस आ जाए। अगर वो तुम्हारे यहां से वापस जा रहा है तो उसको बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट, क्योंकि वो तुम्हारा ही लॉस है। क्या तुमको समझा? मतलब इन शॉर्ट तेरा प्रोडक्शन बजट स्टार्ट कैसे होगा? तेरा प्रोडक्शन बजट स्टार्ट होगा बजटेड सेल्स इन यूनिट्स। क्या तू समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझाइए। सेकंड, तू हमेशा ये चीज अश्योर करेगा कि यार मुझे एंड ऑफ द मंथ या तो एंड ऑफ द क्वार्टर, जैसा तुम बजट बना दो, मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना चाहिए। तुमको क्लोजिंग स्टॉक क्यों ऐड किया समझा? इसको बफर भी बोलते हैं, ताकि मैं बफर रखूं कि मेरे को ये यूज हो। नेक्स्ट, इसमें से लेस मैं करूंगा कि यार इसमें से कुछ यूनिट ऑलरेडी मैंने प्रोड्यूस किए थे, तो मैं यहां पर लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक। क्या तुमको ये समझ में आया? ओपनिंग स्टॉक, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग का मतलब जो गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है, जो गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है, तो कैन आई से मैं ये लिख सकता हूँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, या तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, और मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं, तो ये जाके जो अमाउंट मिलेगा ना, ये मेरा ये होगा टोटल प्रोडक्शन बजट, टोटल प्रोडक्शन बजट। फिर से मैं बात समझ, सबसे पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा सेल्स कितना, फिर बाद में मैं ये लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक कितना मेरे को मेंटेन करना, उसमें से मैं माइनस करूंगा जो ऑलरेडी मेरे पास पिछला क्लोजिंग स्टॉक था, जो अभी जाके ओपनिंग स्टॉक बना है उसको मैं माइनस करूंगा, तो जाके मेरे को यहाँ पे मिला टोटल प्रोडक्शन बजट। क्या इतना समझ में आया सबको? अभी इसके ऊपर नोट्स भी कुछ लिखना, स्टार्ट करो। यस सर। कुछ भी नहीं समझ, कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं ना, एंटिटी एक्सपेक्ट
एंटिटी एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस, एंटिटी एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स, एक्सपेक्टेड सेल्स. It is foundation. It is a foundation for each of material, labor, and overhead cost budgets. सुनना, अगर तूने ऊपर देखा होगा तो उसमें बोला था sales budget. Sales budget is a foundation. अभी बोल रहा है प्रोडक्शन बजट इज अ फाउंडेशन फॉर COGS, मतलब तेरा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री वर्क्स सब यहीं से फ्लो होगा. क्या था सबको समझा? मैं यहाँ पे ना एक और चीज लिख सकता हूँ, यहाँ पे ना हमेशा हमेशा पब्लिक को ना रिस्क ऑफ स्टॉक आउट डराता रहेगा. यस ऑर नो? ये रिस्क ऑफ स्टॉक आउट डराएगा, इसके वजह से मेरे को ये मेंटेन करना पड़ रहा है. एक और चीज मैं इसमें लिखना चाहूंगा, मैंने लिख के रखा है, मींस अनेबल टू मेक द कस्टमर्स डिमांड. क्या ये सबको समझ में आया? हेलो. yes. चलो अब मेरे को तुम एक और चीज बताओ, व्हाट कैन बी द फैक्टर्स which affects production budget. चलो बोलो विजेश, तू इसमें चैंपियन होएगा, बोल. सर रॉ मटेरियल का प्राइस, लेबर का प्राइस. वेरी गुड. किसी और ने भी कुछ बोला अभी, किसी लड़की? इन्वेंटरी. इन्वेंटरी, ओके. जी सर, उसका टाइमिंग मतलब कितने टाइम में मिलेगा? लीड टाइम बोल रहा है, जिस टाइम पे ऑर्डर किया और कब तक को गुड्स मिल रहा है. वेरी गुड. डिजाइन अभी मैंने पढ़ा ना, डिजाइन टाइम के बारे में आता है. मतलब कौन से कॉन्टेक्स्ट में तो बोल रहा है? जैसे शूज होगा, शर्ट, टी शर्ट्स. मतलब तू ये बोल रहा है ना फैशन चलेगा? जो बोल रहा है इट इज एप्लीकेबल टू द सेल्स. सर स्ट्राइक्स. वेरी गुड यार, इसने एक स्ट्राइक्स बोला. पूजा आज मैं स्पीकर लगा रहा हूँ यहाँ पे तो सबको आवाज आएगा, ऑफलाइन वाले को भी तुम्हारा आवाज सुनाई देगा, स्पीकर लगेगा. फिर आया है अमेजोन वाला, बोला था 3 बजे डिलीवरी दे देगा, 5:30 हुआ अभी तक नहीं आया. बेशक चलो कुछ फैक्टर्स लिख के देता हूँ. पॉलिसीज रिलेटिंग टू स्टेबल प्रोडक्शन मेरे को आज भी याद है, अभी तो टाइम नहीं मिलता. बचपन में ना एक सीरियल में देखा करता था हमेशा डिस्कवरी पे, डिस्कवरी चैनल है या नहीं है अभी मैं तो भूल ही गया हूँ अभी. हाउ डे डू इट करके ना एक चीज आता था, अभी भी आता है. हाउ डे डू इट इतना मस्त होता था ना वो, मतलब उसमें वो हर चीज का ना वो प्रोसेस समझाता था कि एक बनता बनता कैसे. सो नॉर्मली एक बैच में इतना ही गुड्स निकलेगा, एक बैच में इतना ही हो सकता है. सो नॉर्मली तुम्हारा पॉलिसी क्या है कि तुम एक दिन या फिर एक वीक में कितना बैचेस प्रोड्यूस कर सकते हो, तो वो भी तुम्हारा इंपैक्ट करता है तुम्हारे प्रोडक्शन पे. सेकंड, कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स. अभी सर ये आप बोलना क्या चाहते हो, इसका मतलब क्या? सुनना, ये मैं ये बोल रहा हूं कि अगर न्यू मशीन्स हुआ तो तेरा प्रोडक्शन भी ना मस्त हाई जाने वाला है. क्या बोलता है? सही है. Whereas if it will be old machines, then might be possible their production low भी जा सकता.
और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ब्रिजेश ने बहुत अच्छे से बोला और हर्षिता ने भी बोला, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेस। यूएस का पढ़ाई कर रहा है तू यार, ये सब बात कर, मैं यही बोल रहा था मशीन जो डिजाइन करते हैं या फिर ऐसा बोलते हैं ना अलग अलग। अच्छा मशीन का बात कर, स्पेशली वो कैड देखना कोई टी शर्ट पे प्रिंट करने का जैसे ये, हाँ। तो इसका ही कुछ ना कुछ तो बोलते हैं इसको, इसको बनाते हैं फिर उस पर वो करना पड़ता है, उसके हाँ। बाद ही वो आता है। करेक्ट, हाँ वो टर्म्स में सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेस, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेस, भाई तुम्हारे पास प्रोडक्शन में उतना सॉरी अवेलेबल है या नहीं है। अभी एग्जाम्पल पता है, अगर तुम लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा तो हैमर वाले को बोर्ड वाला अमन गुप्ता बोलता है कि भाई चिप का बहुत शॉर्टेज है, तेरा बिजनेस डाउन होने का चांस है, क्योंकि उसको मालूम है कि यार अगर चिप का शॉर्टेज है माइट बी पॉसिबल हेडफोन्स बनना मुश्किल हो जाएगा। ओके तो तुमको ये भी चेक करना पड़ेगा। अब मैं तुमको एक समझूंगा, लेकिन तुमको ये पहले ध्यान से देखने का, पहले ये फॉर्मेट समझो कैसा फॉर्मेट देखो, उसके बाद ही वी विल गो ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग। Budget sales in units, add closing stock of finished goods, less opening stock of finished goods, that is your total production budget. Chalo, samdhu? Samdhu? Yes. Simple sa ek samdhe ra. Is Sanya aaj class? Sanya. Is Sanya kuch bol nahi rahi aaj kyu? Kahin bahar hai kya? Nahi sir. सिंबल का समय दे रहा हूं, ये इसका सेल्स था एस्टिमेटेड 10,000, 12,000, 13,000। अब मेरी बात ध्यान से समझ, मैं क्या बोलू, इट इज पॉलिसी ऑफ द कंपनी to keep 20% of sales as closing inventory. Sales of December month was 8,000 units. चलो चैट बॉक्स में कैसे तुम आंसर लिखोगे। टोटल प्रोडक्शन चाहिए मेरे को, जैन का कितना, फेब का कितना, मार्च का कितना। सुनो आप ऐसे मत लिखना, नहीं तो इंटर इंटर होके वो तीन आंसर दिखेगा। ऐसे लिखना, जैन आंसर, फेब आंसर, मार्च आंसर, मेरे को ऐसे आंसर चाहिए। चलो स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फॉर्मेट देखो, तुमको समझेगा क्या, ऐसे तुमको बहुत सारे समझ आने वाले। दिसंबर मंथ वाज 8000 यूनिट्स, यस। स्टार्ट,
सिर्फ तीन लोगों ने आंसर दिया, क्लास में 13 लोग बैठे हैं आज। You want me to solve? No, sir. No, sir. दीपा बेटा कैल्सी है ना ये बस? हाँ सर कैल्सी है। और दिमाग? दिमाग भी इधर ही है सर। ठीक है। चलो मैं पहले ना एक चीज बता रहा हूँ, तीन लोगों ने ना ये सेम आंसर दिया था, एक हर्षिता, दूसरा ऋषि जो सामने मेरे बैठा है वो गाली बिचारा सुन चुका है। मुझे एक बात बताओ हर्षिता, एक बात बता, सुनना हर्षिता, सुनना हर्षिता, जैन का अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो वो फेब का बेटा ओपनिंग स्टॉक बनेगा ना? नहीं तो मैंने किया ना, अच्छा ऐसा किया नहीं, इसका भी आंसर सही सही मारा, तो ये तो बोलती है मैंने इंपैक्ट दिया। अच्छा यू वांट मी टू सॉल्व? तू सही कर रहा है कुछ, चल देखते चल आगे। देखो एक लड़की क्या डेडिकेटेड है, ट्रैवल कर रही है लेकिन मोबाइल से कैलकुलेशन करके आंसर दे रही है, वाह जमीला वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। सुनो सबसे पहले ऐड क्या करने का उसमें क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला उसने, 20% एवरी मंथ, चलो 2000, हेलो हाँ 2400 प्लस 30 नहीं कितना आएगा 2600 क्या कितना 2600 चलो ये वाला आ गया प्लस क्लोजिंग स्टॉक, चल ना पहले देख तो ले प्लस हाँ समझ गया भाई, अब क्या मारेगी क्या भाई, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सुनना ये इसका क्लोजिंग था तो ये नेचुरली ओपनिंग बनेगा इसका, क्या तुम मेरी बातें समझ पा रहे हो? और 2400 अरे ये मैं इसको आंसर पूछा, ये मेरे को बोला सर मैंने इंपैक्ट नहीं दिया है इसलिए मैं तेरे को पूछा, तू डोंट वरी दे ए भाई सही है, मैं बता रही हूँ। अरे हाँ बाबा शांत शांत सांस ले, अभी ये ओपनिंग स्टॉक सुनना, दिसंबर का सेल्स तेरे को दिया हुआ तो यहाँ पे कितना आएगा, पहली चीज तो मेरे को कैलकुलेशन ऐसा कुछ करना पड़ेगा, 8000 का 20% तो ये लास्ट ये दिसंबर मंथ का क्लोजिंग स्टॉक बना होगा विच इज 1600, तो ये यहाँ पे आया 1600 माइनस, मैंने 8000 क्लोजिंग स्टॉक ले लिया था सर, मैंने भी वही किया था, तो कैसे आएगा यार 20% में, तू क्या किया था ये तो? मैं उल्टा ले लिया ओपनिंग स्टॉक, चलो 12000 माइनस 1600 10400 श्रीराम अभी आया था आंसर, 12,000 दिस इज 12,400 13,600 माइनस 2,400 13,200 गुड, आई थिंक सानिया एंड ब्रिजेश ने सेम आंसर दिया था, सो थैंक यू भाई। 1600 कैसे आया वापस बताना, 1600 एक सेकंड ना, एक सेकंड कोई तो मेरे को पूछा 1600 कैसे आया, हाँ सर मैंने पूछा, जमीला सुनना देखना दिसंबर मंथ का मैंने सेल लिखा है देखना 8000, तो सुनना जमीला दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक विल बी 20% ऑफ 8000, हाँ तो वो क्लोजिंग स्टॉक बना, दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक विल बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ जैन, ओके वही तो किया मैं, ओके ओके ठीक
किसी और को डाउट कुछ? तुम दोनों का डाउट क्लियर एकदम समझा? चलो मेरे को जस्ट एक मिनट देना, मैं आता हूँ एक मिनट।
चलो ये सबको किसी को डाउट है इसमें नहीं ना, कैन वी स्टार्ट नाउ अगेन? आ जाओ चलो लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। चलो अभी प्रोडक्शन बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट के बाद क्या था देखो, डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट लेबर था और फैक्ट्री ओवरहेड्स था। देखते हैं समझो, एक बात समझना सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स बजट, फैक्ट्री ओवरहेड बजट्स, ठीक है थोड़ा समझते हैं पहले क्या होता। अगर मैं सिंपल सा एक बात करूं, किसी भी एक प्रोडक्शन में, लेट्स से एक प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन क्रिस्टो, ये बीचो बीच है, ये बॉटल, इसमें मेरे को दिख रहा है या इसमें एल्युमिनियम है, इसमें प्लास्टिक लगा होगा, इसमें लेबर क्या होगा और पानी भी गिरता है, ठीक है पूरा दिख रहा है मेरे को कि इसमें यार डायरेक्ट मटेरियल लगा होगा, उसने लेबर में शेप ने बनाया होगा और किसी फैक्ट्री में बना होगा, ठीक है। लेकिन मेरे को इससे ये पता नहीं चल रहा कि इसके अकाउंटेंट को कितना सैलरी दिया। तुम कभी अगर मार्केट में सेल कोई खाता है और डेली वाला जब तुम मार्केट में मोमोज खाता है, तो तुम कभी ना कभी तो लाइफ में एक ना एक बार एस्टिमेट लगाया होगा कि ये 50 रुपए का देता है लेकिन इसका बनाने का कॉस्ट तो 10 रुपए ही आता होगा, किया है कि नहीं किया? सच सच बोल, किया ना, किया ना। हाँ बोल, हाँ बोल, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, सुन। तो अगर ये एक प्रोडक्शन है तो कैन आई से इस प्रोडक्शन में ना इट इज डायरेक्टली विजिबल कि यार ये तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल है, इसमें तुम्हारा डायरेक्ट लेबर भी गया होगा और साथ ही साथ इसी प्रोडक्शन में ना तेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स भी गया, यस और नो? अब मैं जब फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर रहा हूं तो मेरी बात ध्यान से समझ। डायरेक्ट मटेरियल एनीथिंग विच यू हैव पुट इन विच कैन सी इजीली, ये सेक्शन डी में मैं और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे को यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जब प्रोडक्शन में तीन चीज चाहिए, अभी एग्जाम्पल जैसे इस सब में समझ कि तेरे को 10,400 यूनिट्स यू हैव टू मेक, तो तेरे को ये समझ में आना पड़ेगा कि यार 10,400 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे कितना प्रोडक्शन लगेगा, कितना डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, कितना डायरेक्ट लेबर लगने वाला है, ये सब बोलना, ठीक है। तो आराम से ना एक चीज समझते हैं, सबसे पहले मैं तुमको ये बता रहा हूं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है तुम्हारा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और दूसरा है तेरा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक एक करके आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विथ अ डायरेक्ट मटेरियल बजट, डायरेक्ट मटेरियल बजट समझते हैं, अच्छा आराम से देखना सब समझेगा, डायरेक्ट मटेरियल बजट्स। डायरेक्ट मटेरियल बजट, अब मुझे एक बात बता, क्या मैं इसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट इफ यू नोटिस कितना यूनिट बनाने का मेरा मेरा वही होगा, कितना यूनिट मेरे को बनाना है, यस सर बोलो ना, यस सर, ठीक है। तो मैं ना इसका तीन स्टेप बता रहा हूं, सबसे पहला एक जो बता रहा हूं वो सिंपल अप्रोच, सिंपल अप्रोच, ओके। अभी सिंपल अप्रोच क्या बोलता है, सिंपल अप्रोच बोलता है एक भाई देख, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस
वन यूनिट. क्या बोलता है, सिंपल सा चीज है. अभी एग्जाम्पल, अगर मेरे को ये बॉटल बढ़ाने के लिए अगर 50 ग्राम्स एल्यूमिनियम चाहिए मेरे को, हो गया, तो मेरे को एक किलो का एल्यूमिनियम का प्राइस कितना वो चाहिए, डिवाइड बाय टू. तो अब अगर मैं इसको करूँ ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा. यस और नो, बोलना. यस सर. बराबर है, कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा. इसके साथ मेरे को एक और चीज करना पड़ेगा जो तुमने हमेशा किया. सुनो, एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. क्यों तुमको समझा, ताकि कल को प्रोडक्शन में जब रिक्वायरमेंट हो तो कम ना हो. हेलो 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 हेलो. यस सर. सिंपल अप्रोच. चलो, माइनस माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, तुमको समझा. सिंपल अप्रोच था एकदम. चलो अभी बात समझ. जो ये तुमको मैंने अभी बताया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये जो तुम्हारा आया इसको हम लोग, अरे यार ये पानी इधर गिरा था कि मेरे को दिखाई नहीं. चलो, ये जो तुम्हारा आया वो तुम्हारा आया डायरेक्ट मटेरियल टू बी परचेस्ड. डायरेक्ट मटेरियल टू बी परचेस्ड, क्या ये तुमको समझा सर. बोलना है सर, ये फिनिश्ड गुड से पहले का है ना जो हम कर रहे हैं. नहीं बेटा, इसके बाद है ना. सुनना, इसका सबको डाउट समझा. शी इज आस्किंग सर फिनिश्ड गुड्स वाला. बेटा सुनना. नहीं सर, मैं ये पूछ रही कि जैसे हम फिनिश्ड गुड से पहले ये प्रोडक्शन करते हैं तो ये उसका है ना, मतलब हम जो पहले प्रोडक्टिविटी करते हैं. यस यस, मेरे को लगा तू पूछ रही बाद में नहीं पहले. राइट कर, क्योंकि देख ना पूछा, जब मेरे पास प्रोडक्शन पता चलेगा तभी मुझे पता चलेगा ना कि कितना मटेरियल मुझे खरीदना है. ठीक है, सबको समझाइए. हेलो, बोलो ना. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल टू बी परचेज, इतना मेरे को परचेज करना पड़ेगा. अभी कुछ आगे समझते. एक किनाई से इसको मैं एक और नाम बोल सकता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट. यस सर, बोलो. यस सर. ठीक है, समटाइम्स ना तुमको क्वेश्चन ये भी पूछता है, ये पूछेगा नहीं बट ना ये किसी एक नए बुक में दिया तो मुझे वो सिखाना. एक ना चीज तुमको मैं बता रहा हूं, पॉइंट नंबर टू, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट. यूसेज बजट कि मेरे को डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज करने का. अब एक बात बता, तेरे को किसी चीज के लिए, तूने अभी एग्जांपल तू एक किलो नमक लाता है तो हर बार खाना बनाने के लिए एक किलो नमक थोड़ी डालेगा, पागल है क्या. तो मतलब देयर माइट बी डिफरेंस बिटवीन द परचेज एंड यू एक्चुअली यूज्ड. यस और नो, तुम समझ है. तो अभी मैं कुछ चीज बता रहा हूं समझ. अगर तुमको डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट पूछा, ग्लेन में बेकर में कहीं नहीं दिया. ओके, ये मैंने आज ही कहीं से उठाया, ये सीपी के बुक में दिया था. ओके, मेरे को रिस्क नहीं लेने का इसलिए मैं बता रहा हूँ. डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट पूछा तो तुमको क्या करने का, सुनो, तुमको सबसे पहले उठाना है बिगिनिंग इन्वेंटरी कॉस्ट. बिगिनिंग इन्वेंटरी कॉस्ट जो सब में तुमको दिया जाएगा, एड इन्वेंटरी परचेस्ड. अच्छा एक सेकेंड, ये नंबर कहां से आएगा, ये इन्वेंटरी परचेज नंबर कहां से आएगा. उसमें दिख रहा होगा. देख, यस वही है ना. ओ भाऊ बेटा, ये यही है ना, तुम सोच क्या रहा है, ये इन्वेंटरी परचेज किया था ना. तो डायरेक्ट मटेरियल टू बी परचेज प्लस इन्वेंटरी परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी कॉस्ट. पक्का सबको समझ में आया ये.
सर ये कॉस्ट भी है और तो ये रुपीस में होगा या यूनिट्स में होगा? ऑब्वियसली देख ये वाला सब बहुत अच्छा सा इसने पूछ इसने आंसर पूछा ये सब बिजनेस देख यूनिट्स में बट ये जो अमाउंट आता है ये अमाउंट में आता है डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट ठीक है तो मैं इसको लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड ब्रिजेश आया ये समझ में हाँ सर एक सम दो सम करोगे चलो आराम से करना फंसने का चांस है ठीक है चलो चैन फेब मार्च दिसंबर दिसंबर का मैं इंफॉर्मेशन जानबूझ के दे रहा हूँ लेकिन मेरे को आंसर जैन फेब मार्च का ही चाहिए हाँ सर बोलिए थाउजेंड लेकिन समझिए क्या ये सेल्स है 10,000 12,000 ठीक है अब मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से सुनना पहले पॉइंट नंबर वन कंपनी यूजुअली मेंटेन्स usually maintains 15% closing stock of Christopher correct ek second rukna please maintains 15% of the closing stock of the current month sale ek aur information ruko point number 2 during for manufacturing one unit of the product company requires 2 kgs
ऑफ रॉ मटेरियल. ये इंफॉर्मेशन काम का है? अरे भाई वो इधर कहाँ पे होते हो? मैं सोच रहा हूँ आज देखा क्या क्या हो. ऊपर वाला फॉर्मेट देख लेगा वो. अरे वो मैं दिखा दूंगा, लेकिन तेरे को जो पॉइंट नंबर टू लिखा है तेरे को आया समझ में? एक यूनिट बनाने के लिए तेरे को दो यूनिट लगेगा. वाले पॉइंट नंबर थर्ड, कंपनी जनरली मेंटेन्स द क्लोजिंग स्टॉक of raw material at the rate 10% of current production level. अच्छा सुनो ना, मेरे को यहाँ पे दो हीरो लोग पूछ रहे हैं सर दो दो क्लोजिंग कैसा दिया था? तुम मेरे को बताओ कैसा दिया दो दो क्लोजिंग रॉ मटेरियल के लिए क्लोजिंग? यस उनको समझा. रॉ मटेरियल का तो प्राइस ही नहीं है भाई बेटा, वो लिखेगा मैं तो रुक ना. कैसा है तुमको ये समझा? ऊपर वाला फिनिश गुड्स वाला है. हेलो हाँ सर, तुमको बत्ती जला. ये वाला रॉ मटेरियल के लिए, ये रॉन्ग होगा सब चलेगा. मैं जान अभी से इतना क्रिटिकल सब सम बना रहा सुनो, ताकि तुमको फ्यूचर में कभी मिस्टेक ही नहीं होएगा. लास्ट पॉइंट नंबर फोर, ईच रॉ मटेरियल प्राइज्ड एट $3 पर केजी. आराम से, मिस्टेक होने का चांस है. मिस्टेक होगा चलेगा, मैं संभाल लूंगा. कैलकुलेट टोटल प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड फॉर द करंट for the current quarter which is Jan to March. सुनो अब, based on the public demand मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ. देखो ये तो स्क्रीनशॉट मान लो, ये ले. देखो ये चाहिए था ना फॉर्मेट, ये नहीं था नीचे था. अरे तू बोला ना कि फॉर्मेट चाहिए सर मेरे को डायरेक्ट मटेरियल. अच्छा अच्छा ये चाहिए था. हाँ ये वाला राइट साइड में. लेकिन ये कंबाइन दिया तुझे मैंने, ये स्टार्टिंग से तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद एक बात ही आएगा. यस ब्रजेश बोलना सर. आपने दिसंबर का जो 8000 दिया है वो तो सेल्स है ना, तो यस रॉ मटेरियल का क्लोजिंग मेरे को नहीं पता. ब्रजेश सुन, सेल्स निकालेगा पहले, सेल्स से क्या निकालेगा? प्रोडक्शन. हाँ तो देखो प्रोडक्शन दिसंबर का भी तो मिल गया ना बेटा, अज्यूम करना ओपनिंग स्टॉक नहीं है. चल तो यही पूछा ना सर, उसका भी तो चाहिए. अज्यूम करो ओपनिंग स्टॉक नहीं है दिसंबर का, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, नहीं तो तू हमेशा मेरे से मांगता ही रहेगा. हाँ पीछे तो बोलेगा सर मेरे को अक्टूबर का भी चाहिए कभी. चलो कुछ भी हेल्प चाहिए रहेगा तो मेरे को पूछना, लेकिन ये मत पूछना सर प्लस करो या माइनस, आंसर निकालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ. रॉन्ग होने का चांसेस है बट मैं संभालूंगा, डोंट वरी, एटलीस्ट यू ट्राई. चलो मैं तुम्हारे साथ है. सेल्स हो इधर मेरे दो फंडर बोल रहे हैं कि पहले सेल्स निकालते हैं. अबे सालो सेल्स दिया हुआ है, प्रोडक्शन से चालू करो.
गुड ब्रिजेश, मेरे को पता नहीं राइट है रॉन्ग है बट गुड। बाकी लोग ट्राई कर सब कर रहे हो ना? हेलो, आई होप एवरीवन इज ट्राइंग। अशिता, सानिया, उनका वॉइस नहीं आ रहा। पूजा, प्रेरणा, एम आई ऑडिबल? यस सर। करो भाई ट्राई, करो ट्राई।
Guys, you want me to solve? Hello. 5 minutes. Sanya, tu aaj class mein active nahi aisa lag raha mere ko. Prerna also you. Prerna tu bhi. Bolte na thoda khud ko aur bhi padha. Simran, kya kar rahe ho tum log? Gayab hai kya pura? Sir, us screen. Haan, rukho. है सर पर तुम लोग कर रहे हो ठीक है ठीक है आप सॉल्व कर दिए तूने प्रो ने ट्राई भी नहीं किया बेस शर्म अरे नहीं सर किया बट फिर भी नहीं आ रहा ठीक है अच्छा रिजेश बस 2 मिनट रुक फिर तेरे को पता चलेगा कि तू राइट है सब लोग पागल हो चुके हैं कि सर ये क्या इतना बड़ा सब तुम लोग मेरे पास थोड़ा सा हेल्प करना आ जाओ सब लोग साथ में स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल बजट चलो सब लोग साथ में देना मेरे देखो सबसे पहले एक बात बताओ चैन है फेब है मार्च आराम से सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से आ जाएगा सेल्स है अपने पास करेक्ट चलो हेल्प मी विद दिस बजटेड सेल्स श्रीराम बोल 10,000 11,000 चलो एड कैन आई से क्लोजिंग फिनिश गुड्स At the rate 20%. 15%. Sorry. 15%. 0.15 into 10,000. 1,500. 1,650. 1,800. 1,500. एंड 1650 माइनस दिसंबर का नहीं लेना ले रहा ना बेटा रुक कितना आएगा 8,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स एट द रेट 15 चलो कैन आई से 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% तो ऋषि कितना बोल रहा है 1200
और सर वो जो बोल 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 डर मत डर मत बोल बोल फिर तो खुद ही पूछ के चुप हो जाएगा बोल सर दिसंबर का मैंने ये किया क्लोजिंग का 1200 ऐड किया और जो बैलेंस अमाउंट है वो लिखा उसका मैंने फिर बिना ओपनिंग के पहले एक बात बता जो ये प्रोसेस है वो सही है कि नहीं सही है अच्छा प्रोडक्शन प्रोडक्शन 10,000 प्लस 1500 माइनस 1200 दिस इज कमिंग टू 10,300 11,000 प्लस 1650 माइनस 1500 दिस इज कमिंग टू 11,150 12,000 प्लस 1800 माइनस 1650 दिस इज 12,1250 पहले एक कंफर्म करो ये सबका आया था कोई था जिसका ये मिस्टेक हुआ था नो सर पक्का चलो नाउ लेट्स गो अहेड अब मैंने क्या बोला था कि वो प्रोडक्शन का डिटेल ऐसा दे रहा है कि यार मुझे रॉ मटेरियल कितना लगेगा तो सम वर्क क्लियरली बोल रहा है कि एक यूनिट बनाने के लिए उसको 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है राइट बराबर तो कह रहा है इसे मल्टीप्लाइड बाय 2 kg बराबर है कि नहीं मल्टीप्लाइड बाय 2 kg चलो तो मल्टीप्लाइड बाय टू ये मुझे क्या मिलेगा पता है ये करने के बाद मुझे मिलेगा टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड अरे आ रहा है क्या समझ ठीक है 10,300 into 2 into 10,300 दिस इज कमिंग टू 2600 किसने यहां तक मस्ती किया था बताओ मेरे को मैं तुम्हारे साथ है किसका किसका मिस्टेक हुआ था तू यहां तक आया था कोई है जिस जो यहां तक भी नहीं आया था ऐसा कोई अच्छा नहीं बात करने का ठीक आ जाओ अब मेरी बात सुनो अब उसने मेरे को ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी बोला है कंपनी जनरली मेंटेन्स द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट 10% ऑफ अ करंट प्रोडक्शन लेवल ऑफ द करंट प्रोडक्शन लेवल एक मिनट तेरे पास प्रोडक्शन है क्या सब में क्या तुमको ये समझ रहा है तुमको समझा कि नहीं तुम्हें कोई बात बताओ एकदम आराम से एक चीज करता है मैं यहां पे लिखता हूं प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या मैं ये सही कर रहा हूं करेक्ट मैं कैसे करूंगा समझ ध्यान से देख 10,300 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10% क्यों टू लिया मल्टीप्लाई बाय टू काय को लिया फॉर एक मिनट को बनाने के लिए 2 यूनिट ज्यादा करेक्ट अच्छा 10,300 मल्टीप्लाई बाय 2.1 दिस इज कमिंग टू 2060 यहां पे बहुत लोग का मिस्टेक हुआ होगा नहीं हुआ क्या बात करता मां कसम चैंपियन हो गए थे मेरे तो मल्टीप्लाइड बाय 2 दीपा ए दीपा 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 समझ रही कि नहीं दीपा दीपा ए दीपा हाँ सर समझ रही हूँ दीपा बोल रही जितने टाइम में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था उतने टाइम में तो मेरा चैप्टर खत्म हो जाता अभी तक तो एग्जैक्टली सर सालो तुम लोग शुक्र मनाओ तुम लोग फर्स्ट टाइमर वाले हो मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 2 10% 2430 चल ठीक है अब क्या करना पड़ेगा माइनस ओपनिंग स्टॉक मेरे को बस एक चीज का थोड़ा सा झंझट होगा जो करना पड़ेगा मुझे बट स्टिल आई विल बी एबल टू डू इट 2230 ब्रिजेश एंड सानिया यहां तक एकदम सही था पूरा यस सर ठीक है चल अभी यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का थोड़ा सा अपने को मचमच है
लेकिन अरे लेकिन बन जाएगा ना उसमें क्या, चल मैंने बनाया वो बनाया तो नहीं होगा, क्या बात है, देखते हैं। अरे ठीक है आ जाओ। सबसे पहले तो एक बात बताओ, इसका यूनिट लाना है अपने को, वो समझते हैं, ज्यादा कुछ इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। पहले तो एक बात बताओ, क्या मैं जैन का प्रोडक्शन निकाल सकता हूँ क्या, देखते हैं एक बार। सो मैंने क्या बोला, जैन में कितना था उसका, सॉरी दिसंबर देखना है, दिसंबर वी आर लुकिंग टू दिसंबर, दिसंबर सेल्स कितना था, तो 8,000 था मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 1600, राइट ना, तो 8,000 प्लस 1600, प्रोडक्शन आया, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर 18,400. Can I say इसका मैं ले सकता हूँ अभी? तो yes. At the rate 10%. याद आता था 1,4,1,8,4,0. ऋषि ये आया था? श्रीराम मिस्टेक किया था? हाँ. कहाँ पे किया बोल? मैंने इसमें किया दिसंबर के इसमें रॉन्ग हुआ. मतलब कहाँ पे तेरे को लगा कि ये चीज रॉन्ग गया मेरा? कोई है जिससे जो मेरे साथ डिस्कस करना चाहेगा कि सर ये स्टेप रॉन्ग हो गया मेरा? सर मेरा रॉन्ग हुआ था यहाँ, कहाँ पे पता? ये 15% क्लोजिंग स्टॉक ऐड नहीं किया, 15% क्लोजिंग स्टॉक ऐड नहीं किया ये वाला बेटा, वो तो सेम ही होगा ना यार दिसंबर में भी, अगर तेरे को प्रोडक्शन निकालना है तो। हाँ सर ठीक है, मैं तुमको चीज बताऊं, तुमको मैंने ना प्रोडक्शन बजट का सबसे टफेस्ट सम सिखा दिया, सबसे टफेस्ट सम 20,600 प्लस 2,060। हाँ फाइनल आंसर, अब तू वेट कर रहा हूँ, दिख 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 राइट आउट -2,060 22,470 चलो डन। एक चीज और बाकी है, ये क्या है पता तुम्हारा, ये डायरेक्ट मटेरियल परचेज आया, इसका कॉस्ट निकालने का ना अपने को, और कितने का मिलता है, एक यूनिट का प्राइस क्या, 3 बराबर, तो $3 $3 दिस इज योर टोटल परचेज प्राइस, कितना बोल रहा, क्या बोल रहा, वो एक का है ना, नहीं मतलब मैं 3 से कर रहा हूँ ना मल्टीप्लाई, 3 इंटू इंटू 20,820 62,460 क्या बात है ऋषि, सही है 470 67,410 24,500 73,500 So take the total of this. This all three. 67,410 plus 62,460 is equal to superb Brijesh yaar. Proud of you. 370 Thank you, sir. अब मेरे को honestly सब लोग प्यार से बताना, मैं किसी को कुछ नहीं बोलेगा, इस पूरे प्रोसेस में किसका क्या क्या मिस्टेक हुआ था ना, प्लीज शेयर विद मी, बोलो कोई ऐसा बंदा जो सर मैं यहाँ पे अटक गई थी या मैं यहाँ पे अटक गया था, मेरे को नहीं समझ में आया, कोई ऐसा प्लीज बोलो मेरे को प्लीज। सर मेरा टोटल रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड के बाद मेरे को समझ नहीं आया था, मतलब क्या अभी करना है सर? हाँ अब क्या करना है? लेकिन अभी अभी देखो आया समझ में लॉजिक, वो जो प्रोडक्शन तक होता है ना बेटा वो फिनिश गुड से देता, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन रॉ मटेरियल, इफ यू सी द फॉर्मूला इज सेम, देख ना यहाँ से यहाँ तक ना मैंने फिनिश गुड्स का बात किया था, ये देख
हाँ, हाँ. और इसके बाद मैं बस रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है देखना. हाँ, ठीक है. तनिष आप तू ओपनिंग स्टॉक कौन सा बोल रही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ए बेटा ऐसा मत करते को, अभी समझाया नहीं, बुझाइए सॉल्यूशन. अभी जब पूछ रहे थे को समझा कि नहीं समझा, तो एक आंसर ही नहीं दे दिए मेरे को. चलो आ जाओ, एक और बजट सीखने का, बस एक बजट सीखने का है आई थिंक. उसके बाद अपन 7 बजे तक अपन छोड़ देगा. 5 मिनट का ब्रेक मांगता, 5 मिनट का ब्रेक लो, वापिस आते हैं 7 बजे तक. दिस टारगेट विल गेट ओवर. कल बड़ा सम करेंगे तनिषा, टेंशन मत ले. चलो लेट्स मीट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स. हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे. सर मुझे एक डाउट है. बोल रहे हैं प्लीज. सितंबर का हमने निकाला ना एक मतलब क्लोजिंग स्टॉक 15% वो समझता. एक सेकंड रुक. हाँ अब बोल. वो सेल साइड 8000 से क्लोजिंग स्टॉक 1200 ये समझा मुझे ऐड किया, बट देन फिर ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं तो फिर गलत नहीं आएगा? नहीं सुनना, अगर देख मेरे को अगर सब में एडिशनल डिटेल देना होता ना तो मैं बोल देता कि यार ओपनिंग स्टॉक भी है, लेकिन मैंने सब में डिटेल दिया ही नहीं तो हमने अज्यूम कर लिया कि था ही नहीं. हाँ ऑब्वियसली अज्यूम नहीं, मतलब मैंने सब में डिटेल ही नहीं दिया. देखो मोस्टली सब में ना ऐसे होगा कि ओपनिंग स्टॉक का डिटेल तेरे को नहीं दिया होगा, या तो एक नोट दिया होगा कि कंसिडर द क्लोजिंग स्टॉक इज द सेम लाइक ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे अजम्पशन दिया कि था ही नहीं अपने पास. लॉजिकल डाउट ना बट. चलो डायरेक्ट मटेरियल का जितना भी चीज हो सकता था सब कुछ हो गया. नाउ लेट्स फोकस ऑन डायरेक्ट लेबर बजट. डायरेक्ट लेबर बजट चलो डायरेक्ट लेबर बजट. मुझे एक बात बता, अभी मैंने क्या बोला था, एवरीथिंग विल बी डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन बजट. ठीक है, अब इसका कंपोनेंट समझ. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, टिक मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स टू बी टेकन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट. तुमको ये समझा मैंने क्या 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 लिखा? एक यूनिट बनाने के लिए कितना आज तुमको लगा? वन यूनिट हाउ मेनी आवर्स? ठीक है, क्या ना इसे यहां पे तुमको मिलेगा टोटल आवर्स टेकन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस दिया रहा है निकाला ना तुमने सेल्स से प्रोडक्शन आया वेजेस पर आवर इतना यहाँ पे टोटल आ गया. दिस इज योर टोटल डायरेक्ट लेबर लेकिन ये क्या आया? इट्स इन डॉलर्स. और यहाँ पे क्या आया था? आज में आंसर आया. चल इतना कंफर्म, किसी को डाउट? बट अभी इसमें क्या मालूम है, इसमें भी ना कुछ चीजें डिपेंड्स है. ठीक, factors to be considered. चलो
अब तुम मेरे को बताओ कौन सा चीज हो सकता है लेबर्स में, तुमको क्या ऐसा ऐसा लगता है कि सर ये फैक्टर हो सकता है, ये फैक्टर हो सकता है, बोलो सर। इसका प्राइस, वेरी गुड, लेबर रेट, लेबर रेट, वेरी गुड। और अवेलेबिलिटी बोला तुमने भी, हाँ, वेरी गुड। और सर इसकी क्वालिटी, स्किल एंड स्किल, क्वालिटी, स्किल एंड स्किल, चलो सुपर, जितना ज्यादा सब 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 राइट। मैं पॉइंट नंबर वन लिख रहा हूँ, स्किल्ड लेवल, कि भाई वो स्किल्ड है या नहीं है। सेकंड, यूनियन कंट्रोल्स, यूनियन कंट्रोल्स, कंट्रोल्स एंड हायरिंग पॉलिसीज, हायरिंग पॉलिसीज। भाई मेरे को ये देखना पड़ेगा कि वो लोग का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। अभी किसी दिन यूनियन ने बोल दिया कि काम ही नहीं करने का आज से बंद, तो क्या करेगा, तो पोपट हो जाएगा तेरा, तो वो नहीं, तो नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, कितना तुम पैसा उसको देने वाला। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डिटेल लिखता हूँ कि जब मैं स्किल लेवल की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि देख भाई, स्किल्ड होगा देन हाई पे होगा, अनस्किल्ड होगा तो लो पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हायरिंग पॉलिसी, इफ एक्सेस आवर्स, इफ द आवर्स आर इंक्रीजिंग, वर्कर हैज टू वर्क फॉर ओवरटाइम, या तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो आइडल तो नहीं बैठा है, वेल्ला तो नहीं बैठा है, कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो भी तुमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। Need to check, need to check whether any additional benefit is to be given, additional benefit, additional benefit is to be given, is to be given. क्या ये सबको समझा? Simple. हेलो, यस सर, समझ में। चलो नाउ लेट्स फोकस ऑन फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स बजट, डोंट वरी, 7 बजे छोड़ दूंगा, उसके आगे नहीं लेके जाऊँ। फैक्ट्री ओवरहेड्स बजट, लेकिन ये 2.5 घंटे का आधा तभी डाल लो। फैक्ट्री ओवरहेड्स बजट, दो पार्ट में डिवाइड है। पॉइंट नंबर वन, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये आगे भी चल के सेक्शन सी जब चालू होगा तो उसमें दूंगा, बट यहां समझ। एक चेयर बनाने के लिए you require 1 kg of wood, 1 kg wood, and 1 kg wood is equal to $100 per kg. तो एक बात बताओ, if I want to manufacture 2 chairs, can I say this is 2 × 1 × $100, which is 200? Correct ना? Let's say I want to make 50 chairs. तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन, 50 × 1 × $100। दीपा समझ समझ रही है? हाँ सर, 5000 आएगा, 5000। मतलब इन शॉर्ट व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस, इफ माय प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, इफ माय प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज, करेक्ट? कैन आई से दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोडक्शन। इफ माय प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग, if my production is decreasing, my total variable cost will also decrease. Factory overheads, let's say I'm paying a rent of $10,000. Let's say I'm making 20 chairs. So what will be the calculation? 10,000 divided by 20.
कितना आएगा, 5000 या 500? 500 पर चेयर. लेट्स से आई एम मेकिंग 50 चेयर्स, सो 10,000 डिवाइड बाय 20, कैन आई से दिस इज हाउ मच, 200 इन, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, 50 चेयर्स बनाना, 50 आएगा तो 200 आएगा, 200 चेयर. तुम समझो मैं क्या कहता हूँ, मतलब इन शॉर्ट इफ द प्रोडक्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज योर फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम. क्या ये सबको समझे? Yes. ठीक है, अब मेरी बात समझो. हमेशा आपको एक चीज याद रखने का कि वेरिएबल कॉस्ट में रेट इज इंपॉर्टेंट एंड फिक्स्ड कॉस्ट में अमाउंट इज इंपॉर्टेंट. क्यों? बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स विच आर नॉट गोइंग टू चेंज. क्या है सबको समझ? बोलो. एक ऐसा चीज है जो ये चेंज नहीं होने वाला. डन. डन. ठीक है, चलो अभी आगे समझते क्या होगा. जब भी आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हो तो एक चीज याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली अलॉकेट टू द प्रोडक्ट होता है, डायरेक्टली अलॉकेटेड. लेकिन जब फिक्स कॉस्ट है उसको भी किसी रेट पे मेरे को लाना पड़ेगा. जरा मेरी बात समझना, मैं क्या समझा रहा हूं. फैक्ट्री ओवरहेड में द रेट इज ऑलवेज गिवन. ये जो रेट होगा ना, दिस इज ऑलवेज प्रोवाइडेड, ऑलवेज प्रोवाइडेड. ऑलवेज प्रोवाइडेड. ठीक है, बट यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड का जो पर यूनिट होगा ना, यू नीड टू कैलकुलेट, कैलकुलेट बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन रेट. अब ये एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, मैं तुमको आराम से समझाता हूं. समझ, ये क्या कहता है मालूम है, ये एक फॉर्मूला लेता है. अब ये फॉर्मूला क्या होता है समझ, ये फॉर्मूला लेता है एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू, एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी. अब मेरी बात समझ, लेवल ऑफ एक्टिविटी आपको हमेशा दो टाइप का मिलेगा. आगे चल के सेक्शन डी में कॉस्ट ड्राइवर्स बताऊंगा, बट यहां के लिए भी लेवल ऑफ एक्टिविटी समझ. दो चीज होता है, एक होता है टोटल डायरेक्ट लेबर आवर, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर, और दूसरा होता है टोटल मशीन आवर्स, टोटल मशीन आवर्स. क्या सबको ये समझ में आया क्या मैं क्या बोलूं? टोटल मशीन आवर्स. तो ऐसे निकाला जाता है, मतलब इन शॉर्ट. अभी मैं तुमको कोई एक चीज पूछता हूं, तो मुझे तुम बताना कि आप इसका कैसे रेट बनाओगे. आजा समझ, मैं एक चीज बता रहा हूं. लेट्स से अ कंपनी अ कंपनी प्लानिंग टू वर्क for 20,000 hours at the rate $5 per hour. ठीक है, 20,000 per hour. The total fixed cost is $20,000. What will be total budgeted manufacturing overheads? Total budgeted manufacturing overheads. बोलो क्या करोगे?
सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन इंस्टेंटली निकल सकता है क्या? ऑब्वियसली सबका सब दिया हुआ है, चल ना देख वेरिएबल कॉस्ट बोलो ना। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेक्ट है। नेक्स्ट ये आया तेरा 1,00,000। Have they given you fixed cost? Yes, amount पूरा दिया हुआ है, fixed cost. Fixed cost. कितना लिखो? 20,000. So your total manufacturing cost is 1,20,000. क्या आया समझ में? Simple था एकदम. Yes, एक last चीज, तुमको बस पढ़ाना है, उसके बाद we will go. चल, इतना हो गया समझ गया? अभी एक चीज समझ, समटाइम्स ना तुमको सम ये पूछता है कि भाई मेरे को ना एक चीज बताओ कि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जब भी देखो कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पूछे ना तो एक चीज हमेशा याद रखना, वो तेरे को पूछ रहा है भाई इसमें कितना है। बात समझ, लेट्स से ये मंथ है सितंबर, तुम लोग मंथली प्रोजेक्ट बनाते, तो ऐसा होगा क्या कि हर बार तू सितंबर के महीने में कंप्लीटेड यूनिट्स ही सब बनाएगा? ऐसा होगा कि कुछ यूनिट बच गया होगा अगस्त महीने का जो तू आके इधर भी बनाएगा? तुमको मेरा लॉजिक समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ वेरी गुड। अगर देख पॉसिबल है कि सितंबर में मैं फिनिश गुड्स भी बनाऊ, नो डाउट मैं बना भी सकता हूँ, लेकिन कुछ यूनिट ऐसे होंगे विच आर अनकम्प्लीटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। दीपा समझ रही है क्या? सिमरन यस सर। सिमरन कौन अभी कौन कौन ज्यादा पता नहीं कहीं कुम ज्यादा कोई। चलो तो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले ना सितंबर के मंथ में मेरा बिगिनिंग WIP होगा, क्या ना इसे इसको ब्रैकेट में लिखता हूं विच विल बी अनप्रोसेस्ड अनप्रोसेस्ड इन लास्ट मंथ। बोलना तो इसके ऊपर भी तो कॉस्ट गया होगा ना, थोड़ा बनाने के लिए तुमने डाला होगा, इस पे ऑलरेडी डाला होगा। एक मिनट हम नहीं जेते। चलो बिगनिंग WIP, अब मेरी बात समझ, इसमें तूने जितना भी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर किया होगा ना ये सब का सब तेरे को डालना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कौन सा बजट सीखा? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अरे समझ में आया क्या? ये तीनों कॉस्ट तेरे को डालना पड़ेगा। एक और चीज ओपनिंग प्लस किया है तो अभी एक और चीज लेस करना पड़ेगा, बोल क्या? क्लोजिंग WIP, क्योंकि ये इस प्रोडक्ट इस क्वार्टर का नहीं है, ये नेक्स्ट में जाएगा, तो इसके लिए मेरे को यहां से इसको निकालना पड़ेगा। हर बार याद रखना क्लोजिंग एड हुआ, इस बार जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बना रहा हूं तो मैं क्लोजिंग निकाल रहा हूं। तो ये जो तेरा टोटल आया इसको तू बोलेगा दैट दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। पहले बता इतना समझ में आया सबको? यस सर। अब मेरी बात सुन, एक बात बता, ये कैलकुलेशन एक ट्रेडर करेगा या एक मैन्युफैक्चर कौन करेगा? ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा ना। अभी अगर मैं ट्रेडर हूं, मैं बॉटल बेचता हूं, बॉटल परचेज बॉटल सेल, बॉटल परचेज बॉटल सेल, मेरा ये काम है, तो मेरे लिए तो ये होने वाला नहीं है। तो
So can I say this is applicable to the manufacturer industries? Industry. But let's say I'm a trader. So trader ko na ek cost hamesha lagega, which is something known as cost of goods sold, jo tum log bachpan se padhte aaye. Chalo, abhi next apne ko ye sikhna hai. Cost of goods sold. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला याद है किसी सबको? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. चलो आज देख क्या लिखूंगा. सबसे पहला लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एड, एड क्या लिख रहा हूं समझ. कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. क्यों लिखा ये? क्योंकि ऑब्वियसली यही तो अमाउंट आएगा जैसे, लेकिन साथ में मैंने स्लैश भी लिखा है तो यहां पे ये भी तो लिख सकता हूं. स्लैश परचेस्ड ऑफ फिनिश गुड्स. ये कब आएगा? जब मैं ट्रेडर हूं. अरे समझा क्या? इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यूज करूंगा. इफ आई एम ए ट्रेडर I will use purchase of, इसको ना merchandise भी बोलते हैं. Merchandise less closing stock of finished goods. क्या ये तुमको समझा? ये तुम्हारा आया cost of goods sold. Cost of goods sold. चलो आगे नहीं पढ़ाएगा बट एक बार सिर्फ रिविजन मारते. चलो स्टार्टिंग से आज को ज्यादा नहीं पढ़ लिया अपन. चलो सबसे पहले सेक्शन बी चालू किया था, प्लानिंग एंड बजटिंग. बी वन बी से बी सिक्स तक है. आज अपने को चालू करना था वन सेलिंग एंड एडमिन. वो कल बढ़ा दूंगा क्योंकि तुम लोग मेरे को गाली दे रहा होगा मन में. ये पहले मैंने चार्ट बताया था. फिर सेकंडली मैंने क्या चालू किया? एनुअल प्रॉफिट प्लान बी फाइव से अपन चालू किया था. सबसे पहले बोला था बेस होता है अपना सेल्स बजट. जब तक सेल्स बजट नहीं आएगा तुम आगे नहीं जा सकता. सेल्स बजट पे सब कुछ डिपेंड है. सेल्स बजट इज डिवाइडेड इनटू, इसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रोडक्शन बजट, दूसरा है सेलिंग एंड एडमिन बजट. जब तक तुम्हारा प्रोडक्शन बजट नहीं आता, प्रोडक्शन बजट के ऊपर डिपेंड तीन चीज है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स. ये तीनों तुमको आ गया. ओके फिर तुमको फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बताया था. इसमें सेल्स में दो कंपोनेंट्स होता है, एक बजटेड यूनिट्स और दूसरा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस. बजटेड क्या कोई लिखा क्या? अरे हाँ जमीला एक मिनट रुक जा. एस्टिमेटेड यूनिट ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, दैट इज एस्टिमेटेड सेल्स बजट आया. क्या हुआ? ये लड़की यार आपस में ही बात करने लगती. चलो ओके जैन फेब मार्च ये सेलिंग बजट हो गया. प्रोडक्शन बजटेड सेल्स इन यूनिट एट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दैट विल बी योर टोटल प्रोडक्शन बजट. अगर ठीक है दूसरा फैक्टर्स टू बी अफेक्टेड ये नीचे चल ले. ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक याद रखना. अगर तुम्हारे मंथ का जो क्लोजिंग है और नेक्स्ट मंथ का क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा. 90% सम्स तुमको ऐसा वाला ही आएगा. फिर नेक्स्ट तुमको मैंने बताया था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स बजट. ओके ये तीनों का बजट से कॉम्बिनेशन होकर तुम्हारा प्रोडक्शन बजट बनता है. डायरेक्ट मटेरियल बजट बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तुमको ये निकालना पड़ेगा कि कितना यूनिट प्रोड्यूस करने का, मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए तुमको कितना यूनिट लगता है, तो तुमको मिलेगा टोटल यूनिट रिक्वायर्ड. तुम उसमें ऐड करोगे क्लोजिंग स्टॉक तुमको कितना मांगता है माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ये तुमको आएगा डायरेक्ट मटेरियल परचेस. लेकिन सम टाइम तुमको सम ये पूछता है कि डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज किया, तो क्या करोगे? बिगनिंग ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट पॉइंट नंबर वन, ऐड इन्वेंट्री परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सॉरी लेस क्लोजिंग कॉस्ट. ये तुम्हारा आएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज. फिर तुमको फिर इस एक मस्त मैंने सम दिया था, ये जैसे ही तुमको नोट्स में भेजूंगा ये अभी का अभी ऑन द स्पॉट. इसको प्लीज बुक में छाप लेना. स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल बजट ये सम फिर से रिवाइज करना क्योंकि ये सबसे टफेस्ट सम था. इससे टफ तुमको एग्जाम में नहीं आएगा. ओके डायरेक्ट लेबर बजट सिंपल था, कितना आस लिया मल्टीप्लाइड बाय आस रेट. इसका मैंने बहुत अच्छे से फॉर्मेट बनाया था. कितना यूनिट प्रोडक्शन करने का, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए तुमको कितना आस लगेगा, जो भी टोटल आस आया मल्टीप्लाइड बाय द रेट. फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड स्किल लेवल कितना है, यूनियन कंट्रोल्स हायरिंग लेवल कितना है, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट जो भी तुम्हारा होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड टू टू पार्ट्स वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स. वेरिएबल में हमेशा तुमको क्या करेगा पर यूनिट दिया होगा तो तुमको कोई भी टेंशन लेने का नहीं है.
फिक्स ओवरहेड क्या होगा, तुमको निकालना पड़ेगा अगर रेट नहीं दिया, लेकिन तुमको कभी फोकस क्या करना है, हमेशा यू हैव टू मेक श्योर दैट तुम लोग टोटल अमाउंट ही लोगे. ओके, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, दैट विल बी योर टोटल ओवरहेड बजट्स. फिर तुमको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग बताया, बिगनिंग WIP प्लस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विच इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स माइनस क्लोजिंग WIP, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. समटाइम्स सब तुमको बोलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो तुमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करना है, एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेस फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा. मैं ये अभी का अभी तुमको भेज रहा हूँ, इसको प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा है तुमको कि आज का आज ही रिवाइज करना, नोट्स अच्छे से बनाओ. सेक्शन बी मैं तुमको जनरल नोट्स में लिख लिख के दूंगा इसे. ओके, अब एक चीज बता दो, सुनो, सेक्शन अपना टॉपिक खत्म हो गया, एक लेक्चर में कोई एडिशनल लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर डिमांड. मीनवाइल मैं सुनो, कल 11 बजे के पहले तुमको सेक्शन ए के सम्स मिल जाएंगे तुम्हारे लॉगिन्स में, तो तुमको सेक्शन ए के सम्स चालू करने पड़ेंगे. पार्ट वन जमीला डन? यस सर. ठीक है सर, आप ये नोट अभी भेजोगे कि कब, मतलब ये वाले अभी वाले? ये देखिए अभी अभी ये देखिए 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 ये सामने ये पेज बना रहा हूं सेक्शन की लेक्चर में. इधर ही रहो, इधर ही रहो, जाओ मत जाओ, तुम लोग बोलेगा सर भेजा नहीं, मेरे को फिर तुम्हारा मैसेज ही नहीं मांगता है मेरे को. रुको अभी भेजता है, तू बस देख तेरे साथ क्या क्या होता है. यस ब्रजेश बोलना. सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक वाला जो था 10% ऑफ द सेल्स, उसको अगर ट्रिकी करना हो तो ये भी ले सकते हैं ना, 10% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स या लास्ट मंथ सेल्स. यस ऑब्वियसली, अरे आएगा ना, इसके बाद मैं विदाउट सम छोड़ने वाला नहीं, तू टेंशन मत ले. अब मैं साथ साथ सम भी इसका ये करूंगा लूंगा. ओके, 10% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल या तो प्रीवियस सेल्स, सब पॉसिबल है यार. जा सकते हैं, मैं व्हाट्सएप लोड हो रहा है इसके लिए मैं रुका हूँ.